बसमिल्ल रहीम खैबर को पब्लिक सर्विस कमीशन ने सेवनटीन नवंबर दो हज़ार इक्कीस को लेक्चर इन इकनॉमिक्स का पेपर कंडक्ट किया था जिसमें टोटल पैंतालीस इन थे इस वीडियो में मैं पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व करूँगा पहले क्वेश्चन से लेकर पैंतालीस तक सब क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करूँगा तो जो क्वेश्चन नंबर वन है उसमें द बिहेवियर ऑफ इकनॉमिक्स सिस्टम इज स्टडीड इन इकनॉमिक सिस्टम की बिहेवियर किस सिस्टम में पढ़ी जाती है तो वो है इसका जवाब है मैक्रो इकनॉमिक्स बी नंबर क्योंकि जब इकनॉमिक सिस्टम की बात आ गई एज अ होल जब बात आती है तो मेक्रो इकनॉमिक्स में पढ़ी जाती है क्वेश्चन नंबर टू द इकनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स और स्टडीज जब इकनॉमिक्स की इंडिविजुअल की बात आ गई जब इंडिविजुअल यूनिट्स में फॉर्म आता है एक सप्लायर आता है प्रोड्यूसर सिंगल मार्किट आता है तो इसमें जब बात होती है तो ये माइक्रो यूटिलिटी हो गई ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडीड होती है इसका जवाब है माइक्रो इकोनॉमिक्स बी द क्वेश्चन नंबर थ्री थ्री इज द पावर ऑफ आ कमोडिटी टू तो सेट्सफाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड एक चीज़ की ओ पावर जिससे ह्यूमन वांट को तस्किन पहुंचती है तो उसको यूटिलिटी कहते हैं ये यूटिलिटी का डिफिनेशन है ए इज द आंसर क्वेश्चन फोर द डिक्रीज इन एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ अ स्टॉक ऑफ थिंग इनक्रीज इज नेम्ड तो इसका आंसर है सी नंबर लॉ ऑफ डेमेंशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जब हम किसी चीज़ के इस्तेमाल में जब एक यूनिट एक्स्ट्रा इजाफा करता है और टोटल यूटिलिटी में जो बेनिफिट होती होती है उसमें कमी आती है तो एडिशनल जब हम एक एडिशनल चीज़ यूज़ करते हैं और उसकी पहले वाले जो यूज़ है उससे कम यूटिलिटी ये देता है तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ डमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्वेश्चन नंबर फाइव ला ऑफ इक्वल इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड ला ऑफ मैक्सिमम सेट्सफैक्शन इसका पाँच नंबर डी नंबर इसका पाँच नंबर का आंसर है लॉ ऑफ मैक्सिमम सेट्सफैक्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स नेशनल प्रोडक्ट एट करंट प्राइसिस इज हाइयर देन नेशनल प्रोडक्ट एट कॉन्स्टेंट प्राइसिज ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ इसका आंसर है राइजिंग प्राइसिज क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहे हैं कि नेशनल प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेज अभी जो प्राइसेस चल रही है इज़ हाइर देन नेशनल प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस क्योंकि जब प्राइसेस uh, राइजिंग uh, हो रही है तो इस uh, उस वक्त करंट टाइम पे जो कीमतें है वो हाई, uh, हाई होगी जो कांस्टेंट प्राइसेस है उनसे हाई होगी The gap between domestic product and national product is significant for a country with इसमें लार्ज फॉरन इन्वेस्टमेंट जवाब बनता है वैसे तो बस फॉरन इन्वेस्टमेंट ही जवाब है मगर इनने सी में स्मॉल फॉरन इन्वेस्टमेंट लिखा है तो फिर जवाब बी बनता है लार्ज फॉरन इन्वेस्टमेंट डिप्रीसीशन इज लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट जब क्योंकि कैपिटल एसेट ही डिप्रिशिएट होती है एक्सपोर्ट सरप्लस रेफर्स टू एक्सपोर्ट सरप्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट सी नंबर उसको एक्सपोर्ट सरप्लस कहते हैं फॉर फाइंड आउट जी फी टोटल वी डिडक्ट डिप्रिसिएशन मगर कुछ लोग इधर कहते हैं कि डिप्रिसिएशन को इग्नोर क्योंकि जीएनपी में तो ऑलरेडी डिप्रिसिएशन नहीं होता तो जब हम जीएनपी से डिप्रिसिएशन डिडक्ट करते हैं तो फिर एनएनपी बन जाती है तो इसमें बी नंबर भी आंसर बनता है इग्नोर डिप्रिसिएशन बहरहाल हाल अगर हम कहें डिडक्ट करते हैं डिप्रिसिएशन से तो फिर एनएनपी बनती है ये जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल टू एनएनपी द डिफरेंस करो एनाल अज्यूम्स इन डिफरेंस करो का जो uh, एक आजम्पन है वो है रेशनल बिहेवियर ऑफ़ द कंज्यूमर ए इसका आंसर है इन डिफरेंस करो आर ये नेगेटिव स्लोप भी होती है नेवर इंटरसेक्शन भी करती है और डोंट टच आई दर एक्सेस क्योंकि अगर किसी एक्सेस को ये टच करती है तो उधर इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है तो ये कभी नहीं हो सकता तो ये ऑल ऑफ दीज और द आंसर थर्टीन नंबर द डिफरेंस बिटवीन जी एन पी एंड एन एन पी इक्वल्स थर्टीन नंबर का जो आंसर है वो डिप्रिसिएशन है क्योंकि जी एन पी से जब हम एन एन पी डिडक्ट करते हैं जी एन पी से जब हम डिप्रिसिएशन डिडक्ट करते हैं तो एन एन पी आंसर आता है जी एन पी माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट मल्टीप्लिसिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कंट्रोल ओवर प्राइस आर दम्शन ऑफ मोनाबलिस्टिक कंपिटिशन सी नंबर एनी फॉम शुड स्टॉप इंक्रीज इन प्रोडक्शन विन एम सी इजिकल टू एम आर क्योंकि जब एम सी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर हो जाती है तो उसे आगे जब प्रोडक्शन कोई फॉर्म करते हैं तो उसकी रिवेन्यू में कमी आती है तो लिहाजा एम सी इजिकल टू एम आर पे मैक्मम प्रॉफिट ले सकता है फॉम बी इज़ द आंसर टोटल कास्ट इज इक्वल टू टोटल कास्ट इज इक्वल टू टोटल रिसिप्ट माइनस ग्रॉस प्रॉफिट ए बी नंबर इसका आंसर है सिक्सटीन का सेवनटीन क्वेश्चन सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड इज द फेमस स्टेटमेंट ऑफ सेज लॉ ऑफ मार्किट सेज लॉ ऑफ मार्किट कहती है कि सप्लाई अपनी डिमांड ख़ुद क्रिएट करती है जो बाद में किन्जियन uh, ने गलत साबित किया एटीन क्वेश्चन डिफिसट फाइनेंसिंग लीड्स टू इन्फ्लेशन डिफिसट फाइनेंसिंग हमेशा इन्फ्लेशन बढ़ाएगी डिफिसट फाइनेंसिंग कहती है कि जब कोई इकानमी नोट चापे और कर्जे ले और उसी पर मुल्क चलाए तो ज़रूर इन्फ्लेशन बढ़ेगी जब कर्जे लेंगे द रियल डिटर्मेंट ऑफ द साइज़ ऑफ द मार्किट इन ए कंट्री इज़ इसमें जो रियल डिटर्मेंट है तो इसमें तो सारी बातें तकरीबन कुछ न कुछ इम्पेक्ट एंप, रखती है मगर इसका आंसर है साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन आंसर होगा बहरहाल हाल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट ये भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट रखती है तो इसमें आ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आ, है डाउट ही है कंट्री कैन मीट इट्स डिफिशंसी ऑफ कैपिटल थ्रू ए नंबर है इंटरनल सेविंग फॉरन कैपिटल और सी नंबर है डाइवर्जन ऑफ सेविंग टू प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट यू यूज तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है क्योंकि ए कंट्री कैन मीट इट्स डिफिशेंसी ऑफ कैपिटल थ्रू ऑल दीज डिफिसट फाइनेंसिंग मीन्स डिफिसट फाइनेंसिंग का मतलब uh, क्या है तो इसकी आंसर फिर इधर एक थोड़ा uh, सा डाउट ही है ए नंबर में बी नंबर uh, में लिखा है स्पेंडिंग बाई बंग फ्रॉम एब्रॉड जब दूसरे ममालिक से कर्जा लेते हैं और स्पेंडिंग करती है तो ये भी एक आंसर बन सकता है अरे डी नंबर है स्पेंडिंग इन एक्सेस ऑफ रिवेन्यू जो रिवेन्यू है उससे ज़्यादा जो स्पेंडिंग करती है तो वो भी इसका आंसर बन सकता है तो पता नहीं इसमें एक्चुअल कौन सा आंसर है कमीशन के मुताबिक क्वेश्चन नंबर बाईस कुछ इस तरह है कि इंटरप्रेनशिप इज मोस्टली रिलेटेड विद मैनेजमेंट तो इंटरप्रेनशिप का जो वर्ल्ड है वो मैनेजमेंट के साथ ज्यादा रिलेवेंट uh, लफज है मैनेजमेंट ए नंबर इसका आंसर है ट्वेंटी थ्री द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड द reason many economists oppose productivity key is the term of dimensioning return question number 24 the balance of trade is also known as uh, the visible trade c number is the answer the visible <laughs> question number 25 protectionism in the international trade stand for answer is a restricted trade policy question number uh, 26 uh, which of the following is a group of item within the total of balance of payment a the merchandise balance b current account c capital account d all of these are the answer question number 27 under free trade there will be a complete equalization of factor and uh, बी नंबर फार्शनल पार्शल इक्वलाइजेशन आ फैक्टर तो फ्री ट्रेड में दोनों मुमकिन है सो दी इज़ द आंसर बोथ ऑफ दीज एमिशराइजे एमिसराइजिंग ग्रोथ रेफर टू ए सिचुएशन वेयर अ कंट्री बी इज द आंसर गेंस फ्रॉम ग्रोथ आर मोर देन ऑफ बाय बाई इन टर्म्स ऑफ ट्रेड question number 29. export-based growth will benefit the country only when c is the answer. its export has a more elastic world demand. question number 30. import-based trade so, this answer is, hey, will uh, never benefit a country. Uh, b number is, may or may not benefit a country. c number is, will invariably benefit the country. इम्पोर्ट बेस्ड जो ट्रेड होते हैं इसमें ये दोनों बी और सी दोनों आ सकते हैं बी नंबर ज़्यादा करेक्ट हो सकता है क्योंकि इम्पोर्ट बेस्ड ट्रेड मे और मे नॉट बेनिफिट द कंट्री और सी का मतलब है कि ये ज़रूर और हमेशा बेनिफिट करेगा कंट्री को क्वेश्चन नंबर थर्टी वन ग्रोथ डेट लीड्स टू ए डिट्रिशन इन टर्म ऑफ ट्रेड द आंसर ऑफ क्वेश्चन थर्टी वन इज बी लोअर द डोमेस्टिक ग्रोथ रेट थर्टी टू टेक्निकल प्रोग्रेस बेस्ड टूअर्ड्स कंट्रीज इम्पोर्ट कम्पीटिंग गुड्स सेक्टर विल सो द आंसर इज इम्प्रूव टर्म आर ट्रेड थर्टी थ्री डिवेलपमेंट इज इम्पॉसिबल विदाउट क्वेश्चन थर्टी थ्री की आंसर uh, मुख्तलिफ बनते हैं क्योंकि डिवलपमेंट इम्पॉसिबल uh, होती है डोमेस्टिक सेविंग के बगैर भी इंपॉसिबल है इन्फ्लेशन भी डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है अगर आप इन्फ्लेशन जीरो पे रखेंगे तो आप डेवलपमेंट कभी नहीं कर सकते तो पता नहीं क्वेश्चन थर्टी थ्री का एग्जैक्ट आंसर इन्होंने कौन सा कीमे दिया होगा डोमेस्टिक सेविंग होगा या इन्फ्लेशन होगा थर्टी फोर नेशन रिलेटिव टू डिवलप नेशन है ओ? एन अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम दैट इज़ हाइयर क्योंकि डिवल्पिंग नेशन में अनएम्प्लॉमेंट uh, ज़्यादा होती है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इकनॉमिक डिवेलपमेंट इज टेकन टू मीन इकनॉमिक ग्रोथ विथ पोलिटिकल स्टेबिलिटी ए नंबर एंड बी नंबर इकनॉमिक ग्रोथ प्लस सोशल चेंजेज तो इसमें ये दोनों इसके काज uh, है इकनॉमिक डिवेलपमेंट में पॉलिटिकल uh, स्टेबिलिटी uh, भी जरूरी है और सोशल uh, चेंजेस भी जरूरी है तो ये फिर एक ऐसा क्वेश्चन है जो मशकूक है जिसमें uh, कोई बंदा uh, नहीं कह सकता कि ए आंसर है या बी आंसर है लिहाजा ये कमीशन ने पता नहीं ए आंसर लिखा होगा या बी क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म इज़ इनकम्प्लीट इनकम्पेटेबल इनमें कौन सा पेयर इनकम्पटेबल है तो इसका आंसर सी नंबर आप ऑप्शन देखें तो ये गलत है तो इनकम्पेटल है इसमें लिखा है मोनोपली के सामने ने लिखा है वन सेलर ऑफ गुड्स विद क्लोज सब्सटीट्यूट मोनोपली में क्लोज सब्सटिट्यूट नहीं होता तो ये इनकम्पेटेबल है बाकी सारे ठीक है मोनो मोनापसोनी मौनाप, में वन बायर है और परफेक्ट कंपटीशन में मेनी सेलर है थर्टी सेवन क्वेश्चन थर्टी सेवन में है इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ कंपिटिटिव फॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट होल्ड ट्रू कौन सा इसमें ट्रू नहीं होगा इसमें आंसर नंबर डी है थर्टी सेवन में प्राइस विल इक्वल एवरेज अवेलेबल कॉस्ट ये गलत है तो ये इसका आंसर है ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो करेक्टरिस्टिक है वो है बी इज द आंसर डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट क्वेश्चन थर्टी नाइन अ फॉर्म इन ए पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सपोज टू बी मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट सी इज द आंसर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जब हो तो इक्विलिब्रियम में फॉर्म होता है एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ अफॉर्म्स आउटपुट इज फोर्टी नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है है डी फॉर्म ऑन द मैक्सिमम प्रॉफिट फोर्टी वन इक्विलिब्रियम ऑफ अफॉर्म इज एट डेट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर एम सी इज इक्वल टू एम आर ए नंबर मार्जिनल रिवेन्यू जब मार्जिनल कास्ट के बराबर होती है तो फॉर्म इक्विलेब्रियम में होता है ए फॉर्म एनजॉय मैक्सिमम कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट अंडर मनोपली ए आंसर मनोफली में प्राइस पे टोटली कंट्रोल होता है मैक्सिमम कंट्रोल होता है फोर्टी थ्री आल फॉर्म विद आइडेंटिकल कास्ट अंडर परफेक्ट कंपिटिशन विल इन द लॉन्ग रन ऑन ओनली नॉर्मल प्रॉफिट जितने भी फॉर्म है वो सारे जब लॉन्ग रन में आते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं एक्सेस कैपेसिटी इज़ नॉट फाउंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती क्योंकि जितने सप्लाई uh, होती है उतनी डिमांड होती है और सारी सप्लाई डिमांड uh, हो जाती है इक्िवरियम प्राइसेस पे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट बोथ आर डिफरेंट कंसेप्ट नॉट सेम कंसेप्ट सो द बी इज द आंसर अभी एक्नॉमिक्स के लेक्चरार में जिनके आ, क्योंकि पेपर वाकई टफ है तो इसमें खैर थर्टी प्लस स्कोर तो इसमें बहुत इजी था अगर कोई कैंडिडेट्स इसमें थर्टी प्लस स्कोर आ, स्कोर कर सकता है तो सारे एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए जिनकी भी तीस से ज़्यादा एम ठीक होंगे तो एलिजिबल होंगे उनके मैक्सिमम चांसेस है इंटरव्यू के लिए कॉल होंगे अलबत्त जो, जो जोन फाइव है उधर अगर किसी के ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स तक ठीक है तो एलिजिबल हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे इकनॉमिक्स के कंपटीशन थोड़ा सा जनरली थोड़ा कम होता है और बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया